कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता की कुंजी है। इसमें अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सच्ची लगन हो तो एक ऑटो चालक का बेटा भी उच्च कहे जाने वाले स्पर्धात्मक परीक्षाओं में अव्वल स्थान अर्जित कर सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण सावनेर शहर के चार उद्यमान छात्रों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें एक बच्चे का पिता ऑटो चालक है तो दूसरे का पिता बाजार में जाकर थैलियां बेचता है। कार्तिक अविनाश छत्रे उस ऑटो चालक के बेटे का नाम है जिसने जेई परीक्षा में 98.58% अंक लेकर तालुका में अव्वल स्थान प्राप्त कर कैटेगरी में 577 रैंक अर्जित की। मेहुल दुर्गा प्रसाद महेंदले ने 92.27, कुणाल परसराम सारभाव ने 91.20 तो वही तनीश राजेश सोनटक्के ने 78.55 अंक अर्जित कर यह साबित कर दिया कि पढ़ाई में गरीबी अमीरी नहीं, बस लगन और मेहनत ही काम आती है। अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई बातें और निरंतर अभ्यास कर हम हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें चाहत है। कार्तिक छत्रे, मेहुन महेंदले, कुणाल सारभाव और तनीश सोनटक्के ये शहर के वो उदयमान छात्र हैं जिन्होंने अपने परिवार की आर्थिक तंगी, ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु मिलने वाली सभी सुविधाओं के अभाव को पछाड़ते हुए अपने गुरुजन तथा अपनी विस्टम ट्यूटोरियल के साथ साथ अपने शहर के नाम के साथ ही अपना और अपने माता पिता का स्वप्न पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के होनहार छात्रों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु हर माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु होने वाले स्पर्धात्मक परीक्षा की कोचिंग हेतु ललायित रहते हैं। बड़ी शहरों की बड़ी नामों वाली संस्थाओं की तगड़ी फीस उनके अरमानों पर पानी फेर देती है, लेकिन ग्रामीण अंचल के सावनेर जैसे छोटे से शहर के उच्च शिक्षित दो उदयमान भाई शैलेश हिराले और कुलदीप हिराले, जो दोनों आईटी तथा बीटेक से शिक्षा ग्रहण कर अपने क्षेत्र के होनहार छात्रों के भविष्य की चिंता कर सावनेर जैसे शहर में विजडम ट्यूटोरियल संस्था स्थापन कर शुरुआत करते हैं और पहली बैच के चार छात्रों पर अपने द्वारा प्राप्त शिक्षा से उन्हें प्रशिक्षित कर देश के प्रतिष्ठित मानने जाने वाली जेई जैसी कठिन परीक्षा में 100% परिणाम देकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि छोटी संस्थाएं भी अच्छे परिणाम दे सकती है। इसी सोच के चलते मेरे गांव के छात्रों को नागपुर तथा अन्य बड़े शहरों में जाकर स्पर्धात्मक शिक्षा ग्रहण ना करना पड़े तथा उनका समय व्यर्थ ना जाए, इसी सोच के साथ विजडम ट्यूटोरियल की स्थापना कर अच्छे परिणाम देने का प्रयास किया जा रहा है। हिराले बंधु के इन प्रयासों में जयश्री चौहान भी कड़े परिश्रम ले रही है। विजडम ट्यूटोरियल का मानना है कि हमने जो दिक्कतों का सामना किया वो भी औरों को ना करना पड़े तथा गरीबों के बच्चे भी इन स्पर्धात्मक परीक्षाओं में पास होकर अपने परिवार तथा शहर का नाम रोशन करें। जेई परीक्षा में शहर का नाम रोशन करने वाले चारों छात्र तथा उन्हें इस काबिल बनाने वाले विजडम ट्यूटोरियल के हिराले बंधु व उनके सहयोगी के उज्ज्वल भविष्य हेतु सभी ओर से शुभकामनाएं दी जा रही है। ये संस्था हमने आज से 2.5 साल पहले स्थापित करी थी और ये हम लोग मेनली फोकस्ड कर रहे थे कि जो सावनेर के बच्चे जिनका पॉसिबल नहीं होता नागपुर जाना या बड़े बड़े शहरों में जाके पढ़ना, अब हर एक बच्चे की वैसी परिस्थिति नहीं होती, तो हमने इस उद्देश्य से कि ताकि हमारे शहर के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से हम दोनों भाइयों ने ये इंस्टीट्यूट चालू किया था। अब इस इंस्टीट्यूट की हमारी जो पहली बैच है JEE की, इस पहली बैच में हमारे पास 4 ही बच्चे थे और इन 4 ही बच्चों ने हमारा एकदम बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, जिसमें कार्तिक छत्रे नाम का जो लड़का है इसने 98.58% हासिल करके SC कैटेगरी में 577 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 577 SC कैटेगरी में यह हासिल किया हुआ है और इस बच्चे का AIR CRL रैंक जो है वह 22,000 के आसपास। विजडम जो है हम लोग इसलिए स्थापित किए हैं कि यहाँ पे जो बेटर शिक्षा है जो बाकी शहरों में या बड़े बड़े शहरों में लोगों को जाके मिलती है, वो चीज़ हम यहाँ पर उनको बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड कर सके, इस उद्देश्य से हम लोगों ने इस विजडम को खड़ा किया है। सर, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आता है मेनली रिविजन के कारण। तो जब हमने बच्चों को तैयारी कराया, जैसे मेरी पहली बैच थी सावनेर, जब मैंने चालू करा 16 अगस्त 2021 को हमने चालू करे, पहली बैच में 4 बच्चे थे, हमने पूरा फोकस करा बच्चों के रिवीजन पे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों की रिवीजन होंगी उतना बेटर उनका ग्रोथ आता है। तो पहले से हमारा जो मेन फोकस है वो रिवीजन पर रहा है और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम है, IIT JEE कहो या नीट कहो या UPSC लेवल के एग्ज़ाम भी कहूँगा आप, तो उसमें लगते हैं कंसेप्ट, तो हमने मोस्टली ध्यान दिया बच्चों के कंसेप्ट के ऊपर में कि जितने अच्छे बेटर बच्चों के कंसेप्ट रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। और उसी के कारण आज कार्तिक ने सावनेर जैसे सिटी में 98.48% लाया सावनेर से ही पढ़ के। विजडम एक बच्चों के लिए उम्मीद है, मतलब जो बच्चे आज सपना देख रहा है घर में बैठ के कि नहीं मैं IIT जाऊँ अच्छा एजुकेशन लूँ या मैं मेडिकल में जाऊँ अच्छा एजुकेशन लूँ, तो उन बच्चों के लिए कहने की उम्मीद की किरण बन के हम उभरे हैं कि आप हमारे पर भरोसा कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, हम आपको तैयारी कराएंगे और पक्का रिजल्ट भी दिलाएंगे। जैसे कि 4 बच्चे थे, 4 बच्चे क्वालिफाई करे तो हमारा 100% रिजल्ट है इस बार। जैसे कि सर मेरा पूरा एजुकेशन BSc तक का पूरा एजुकेशन सावनेर से हुआ है, तो यहाँ पे जो तकलीफें बच्चों को जाती है वो तकलीफें मैंने फेस किया, उन तकलीफों को फेस करने के बाद में मैं IIT गया, तो मैं नहीं चाहता जो मेरे छोटे बंधु है उन्हें वही तकलीफें ज़्यादा झेलना पड़े।
इस कारण हमने विजडम को स्थापित किया। मैं इनके ही से होऊंगा तो हमने बस उसके ऊपर फोकस किया और उसको हासिल करने की कोशिश की। बस वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट तो नाम की है, बाकी तो अपनी मेहनत के ऊपर करता है कि अपन क्या ऐसे करते हैं क्या करते हैं। शिक्षकों ने बहुत मदद की, रात के 12-12 एक एक बजे हमारे डाउट क्लियर हुए हैं। फिर बोलना ही क्या है। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया, मतलब कभी प्रेशर नहीं डाला कि कर होता हूँ तो कर हिसाब से। तभी रोल कॉल था मेरे माता पिता और मेरे सर लोगों का था, इनने मुझे भरपूर गाइडेंस दिया, बहुत मेहनत दी, इसके वजह से हम क्वालिफाई हो पाए एडवांस के लिए। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं इनने बहुत मेहनत की, हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। सर हमारे रोज़ डाउट सॉल्व करते थे, छोटे से छोटे डाउट नहीं के हमारा लेके बैठते थे, बहुत मेहनत किया सर ने हमारे ऊपर। अपने 98.58% से मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे 2 साल की जर्नी में मुझे रियलाइज कराया है कि पढ़ाई के लिए कभी पैसा नहीं रखता है। आप पढ़ाई के लिए सिर्फ रखता है दिमाग, कंसिस्टेंसी और एकाग्रता। आपको आज के ज़माने में, ऑनलाइन ज़माने में कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोटा जाते हैं पढ़ाई करने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इन सब का बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं जाऊंगा, जो करना है अपने एक भरोसा रखा मैंने यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे कोचिंग में मेरे सर ने मेरे भरोसे पे खड़े उतरे हैं। वो 92% लाना उतना भी कठिन नहीं है जितना लोग हवा बना के रखते हैं। 2 साल अगर आप मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो वो आसानी से बन सकते हैं। कि पढ़ाई पैसे वालों की होती है, क्या गरीब के भी बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं? इसका एक उदाहरण, एक ऑटो चालक के बच्चे ने जेईई मेंस में 98 point something मार्क लेकर एक शहर का नाम रोशन किया। तो क्या कहेंगे भैया कि वो इसमें पढ़ाई में कहीं पैसा अड़ा आता है? नमस्कार, मैं अविनाश छत्रे, सावनर से। मेरा बेटा कार्तिक अविनाश छत्रे ये JEE मेंस में 98% से पास हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि आप में लगन और इच्छा शक्ति हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और बात रही पढ़ाई और पैसे की, लेकिन अगर आपके बच्चे में अगर हुनर है तो आप गरीब में भी आपका बच्चा कुछ कर सकता है। बहुत मेहनत करता है पढ़ाई के लिए, उसने कभी हमको कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी। जो उसने घर की परिस्थिति देख के बहुत सारी, यानी ऐसी जो कठिनाई है उसने सब पार करके उसने अपने आप को उस लायक बनाया। NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढूंढले, सावनेर।